कविता राणा। साल 2014 में मोदी की ऐसी आंधी चली कि अगर राय बरेली और अमेठी सीट को छोड़ दें तो पूरी कांग्रेस का सफाया हो गया। वहीं अब भुआ बबुआ ने गैर कांग्रेसी गठबंधन बनाकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को झटका दे दिया। इस बार यूपी में त्रिकोणीय सियासत देखने को मिल सकती है। एक तरफ अखिलेश मायावती का गठबंधन, दूसरी तरफ पीएम मोदी की सेना और तीसरी तरफ चाचा शिवपाल यादव और उनका सहारा कांग्रेस। ऐसे में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उतार कर नया दांव खेला है। देर से ही सही, अब आधिकारिक तौर पर प्रियंका गांधी पूर्वी यूपी की महासचिव बनाई गई है। राजनीतिक गलियारों में सिर्फ यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंदिरा गांधी का ये क्लोन पीएम मोदी को टक्कर दे पाएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर किन वजहों से कांग्रेस को प्रियंका गांधी की राजनीतिक एंट्री करानी पड़ी। पूर्वांचल साधे सब सधे, कहते कि अगर यूपी साधना हो तो शुरुआत पूर्वांचल से होती है। पूर्वांचल के क्षेत्रों में कांग्रेस की पकड़ ढीली होती जा रही है, तो वहीं वाराणसी में पीएम मोदी की एंट्री ने कांग्रेस आलाकमान की परेशानी बढ़ा दी। ऐसे में पार्टी अब नए चेहरे से पूर्वांचल के समीकरणों को बदलना चाहती है। पूर्वांचल को योगी का गढ़ माना जाता है, जिस पर सेंध लगाने के लिए अब यहाँ से प्रियंका गांधी को उतारा है। कार्यकर्ताओं में जान फूंकना, उत्तर प्रदेश इंदिरा गांधी की भी कर्म भूमि रही है और प्रियंका गांधी पहले से ही रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार की कमान संभालती रही है। कार्यकर्ताओं में ये धारणा है कि 2014 की मोदी आधी में कांग्रेस जो अमेठी रायबरेली की सीट बचा पाई, इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी का धुआंधार प्रचार है। ऐसे में एक बार फिर मुरझाए कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए अब प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी तरह राजनीतिक अखाड़े में उतर चुकी है। मोदी योगी के मुकाबले नया चेहरा, यूपी हमेशा से चेहरों के खेल से चला है। फिर चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, कल्याण सिंह से लेकर मुलायम माया तक, जनता ने बड़े चेहरों पर भरोसा जताया और उनके नाम पर वोट करती रही है। ताजा उदाहरण पीएम मोदी भी है, जिन्होंने पूर्वांचल से एंट्री कर बीजेपी को जीत दिलाई। ऐसे में नए चेहरे की तलाश में अब कांग्रेस प्रियंका के नाम पर वोट मांग सकती है। इंदिरा गांधी की छवि, लोगों का कहना है कि प्रियंका में उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। अगर शक्ल सूरत की बात करें तो प्रियंका गांधी का हेयर स्टाइल भी इंदिरा से मिलता जुलता है, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस को उनमें इंदिरा दिखती है, जो पार्टी के सुनहरे काल की याद दिलाती है। गैर कांग्रेसी गठबंधन की कार, पिछले विधानसभा चुनाव में यूपी के भैया जी अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से हाथ मिलाकर नया नारा दिया था, यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन मायावती के साथ आकर कांग्रेस को झटका दे दिया। ऐसे में इस गैर कांग्रेसी गठबंधन की काट के लिए अब प्रियंका गांधी को औपचारिक तौर पर राजनीति में उतरना पड़ा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए हमारे।